इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि फाइल्स और फोल्डर्स कमांड प्रॉम्प्ट के सहारे हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं, जिसको डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो फर्स्ट हमें सीएमडी ओपन करना है। सीएमडी यहाँ पर सर्च में टाइप करके एंटर देने से सीएमडी ओपन हो जाएगा। तो पहले हम लोग देखेंगे कि कलर कैसे चेंज कर सकते हैं यहाँ का। ये इसका बैकग्राउंड और ये फोरग्राउंड जिसमें लिखा हुआ है, इसको फोरग्राउंड बोलते हैं। और ये जो ब्लैक स्क्रीन है, ये इसका बैकग्राउंड है। तो ये दोनों कलर ही कैसे चेंज कर सकते हैं वो देखेंगे। तो हमें टाइप करना है कलर, और उसके बाद थोड़ा हेल्प ले लेते हैं, हेल्प एंटर। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक लिस्ट आ गया है। ये लेफ्ट वाला जो लिस्ट है, यहाँ पर आपको जो बैकग्राउंड का कलर है ये मिलेगा, और इसका कोड, और यहाँ पर फोरग्राउंड का कलर, मतलब जिस कलर में ये लिखा हुआ है सब, इसका कलर और उसका कोड। तो अगर मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड हो जाए ब्लू, तो मुझे टाइप करना होगा 1। और अगर बैकग्राउंड अगर हम चाहते हैं कि रेड हो जाए फोरग्राउंड, तो लिखा जा रहा है और रेड कलर में आए, तो सी। तो मतलब हमें क्लिक करना है 1C। तो यहाँ पर लिखना है कलर 1C, एंटर। देखो ये हो गया है ब्लैक, और यहाँ पर हो गया है रेड। तो अगर हम लोग इसको ग्रीन लेना चाहते हैं कि बैकग्राउंड ब्लैक हो और फोरग्राउंड ग्रीन हो, तो हमें टाइप करना है कलर 0A, एंटर। अगर स्क्रीन को क्लियर करना चाहते हैं तो CLS, एंटर। अभी हम लोग फाइल हैंडलिंग करना सीखेंगे। तो अभी समझते हैं कि हम लोग है कहाँ पर। देखो हम लोग अभी ये सी डायरेक्टरी में यूजर्स फाइल के अंदर, इस फाइल के अंदर है हम लोग। तो अगर हम लोग बैक में जाना चाहते हैं कि पहले हम लोग सी में जाए, तो बैक में जाने के लिए हमें टाइप करना है CD, उसके बाद स्लैश, एंटर। तो अभी ये सी डायरेक्टरी में आ गया। तो अभी अगर हम ये यहाँ पर देखिए, मैं लोकल डिस्क ई ओपन करके रखा हूँ कि इसमें हम काम करेंगे। तो अगर ई में जाना हो तो हमें यहाँ पर टाइप करना है ई, उसके बाद कोलन, एंटर। अभी ये ई में आ गया। अगर हम यहाँ पर कोई फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमें लिखना है MD, मतलब मेक डायरेक्टरी, उसके बाद फोल्डर का नेम, समझ लो ABC ले लिया, एंटर। देखिए यहाँ पर ABC फाइल क्रिएट हो गया। अभी हम कोई फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, तो फाइल क्रिएट करने के लिए हमें कॉपी कॉन, इसके आगे फाइल का नेम ABCD, ये फाइल का नेम होगा हमारा। इसके बाद यहाँ पर हम जो लिखेंगे वो फाइल के अंदर पेस्ट हो जाएगा। मतलब मैं लिख रहा हूँ हाउ टू मैनुअल, उसके बाद लाइक कमेंट सब्सक्राइब, ये लिख के अगर हमें सेव करना है तो Ctrl Z, उसके बाद एंटर। तो ये फाइल इसके अंदर कॉपी हो गया, जो हमने यहाँ पर लिखा है ये इस फाइल में कॉपी हो गया। तो अगर हम इसको देखें कि कॉपी हुए कि नहीं, नोटपैड, ओके, ये देखिए इसके अंदर ये लिखा आ गया। तो अगर ये फाइल हम लोग यहाँ से पढ़ना चाहते हैं तो क्या करना है, यहाँ पर हमें लिखना है टाइप टाइप, उसके बाद ABCD, जिस फोल्डर का हम पढ़ना चाहते हैं, एंटर। ये देखिए इसके अंदर जो है यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। तो अगर इस फाइल को हम कॉपी करना चाहते हैं कि रीनेम करके देखते हैं कि इस फाइल को हम लोग रीनेम करना है, तो हमें लिखना है REN, उसके बाद जो फाइल को रीनेम करना है, इस फाइल को रीनेम करना है और जिस नाम में कन्वर्ट करना है, इसको XYZ में कन्वर्ट कर लेते हैं, एंटर। देखिए इसका नाम XYZ हो गया।
अभी हम देखते हैं इसको पढ़ के कि वो सेम फाइल ही है कि नहीं। देखिए वो सेम ही फाइल है, जस्ट नाम चेंज हो गया इसका। उसके बाद अगर हम डिलीट करना चाहते हैं इस फाइल को तो डिलीट डिलीट नहीं लिखना, सिर्फ डेल लिखना है। डेल फाइल का नाम XYZ, एंटर। देखिए फाइल डिलीट हो गया।